प्यारे साथियों, आज हम खाद्य संसाधनों में सुधार यानी कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के अंतर्गत पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में चर्चा करेंगे। पशुधन यानी कि लाइफ स्टॉक के प्रबंधन मैनेजमेंट को पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य जैसे भोजन देना, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन तथा रोगों पर नियंत्रण करना आता है। जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडों, दूध तथा मांस की खपत भी बढ़ रही है। दी गई सारणी पशु उत्पादों की पोषकता यानी कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स पर आधारित है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि दूध में वसा की मात्रा 3.6%, प्रोटीन की मात्रा 4%, शर्करा यानी शुगर्स की मात्रा 4.5%, खनिज यानी मिनरल्स की मात्रा 0.70% और जल की मात्रा 87.20% होती है। इसके साथ ही दूध के अंदर विटामिन्स B1, B2, B12, D और E भी पाया जाता है। अंडों में वसा की मात्रा 12%, प्रोटीन की मात्रा 13%, शुगर की मात्रा नहीं होती अंडों के अंदर, खनिज की मात्रा 1%, जल या पानी की मात्रा 74% और विटामिन्स B2 और D पाया जाता है। मांस यानी कि मीट में वसा की मात्रा 3.6%, प्रोटीन की मात्रा 21.1%, शर्करा की मात्रा नहीं होती, इसके अलावा खनिज की मात्रा 1.1%, जल या पानी की मात्रा 74.2% और विटामिन्स B2, B12 पाए जाते हैं। मछली में वसा की मात्रा 2.5%, 19% प्रोटीन, शर्करा की मात्रा बहुत कम या नहीं के बराबर, खनिज या मिनरल्स की मात्रा 1.3%, जल या पानी की मात्रा 77.2% और विटामिन्स नियासिन और डी एंड ए पाए जाते हैं। पशुधन के लिए मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूकता होने के कारण पशुधन खेती में कुछ नई परेशानियां भी आ गई हैं। इसलिए पशुधन उत्पादन बढ़ाने व उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। आइए अब हम बात करते हैं पशु कृषि के बारे में। पशुपालन के दो उद्देश्य हैं। पहला, दूध देने वाले तथा कृषि कार्य में हल चलाने, सिंचाई तथा बोझा ढोने के लिए पशुओं को पालना। भारतीय पालतू पशुओं की दो मुख्य स्पीशीज हैं। पहला है गाय, जो कि साइंटिफिक भाषा में वासा इंडिकस कहलाती है। फिर दूसरी है भैंस, यानी कि वासा बुवेलिस। दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु या मिल्च कहते हैं। दूध उत्पादन पशु के दुग्ध श्रवण यानी लैक्टेशन के काल पर कुछ समय तक निर्भर करता है, जिसका अर्थ है बच्चों के जन्म पश्चात दूध उत्पादन का समय काल यानी कि लैक्टेशन पीरियड। इस प्रकार दूध उत्पादन दुग्ध श्रवण काल को बढ़ाने से बढ़ सकता है। लंबे समय तक दुग्ध श्रवण काल के लिए विदेशी नस्लों जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस का चुनाव करना चाहिए। देशी नस्लों जैसे रेड सिंघी, साहिवाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि इन दोनों नस्लों में संकरण कराया जाए यानी कि हाइब्रिड किया जाए, तो ऐसी संतति प्राप्त होगी जिसमें दोनों ऐच्छिक गुण होंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता व लंबा दुग्ध श्रवण काल दोनों ही पाया जाएगा अगर इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन करके संतति को प्राप्त किया जाए तो। साथियों, अब आपके सामने एक प्रश्न है कि पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्रायः कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है। और एक एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप भी आपके सामने है कि पशुधन फार्म पर आप जा सकते हैं और वहाँ पशुओं की संख्या तथा विभिन्न प्रकार की नस्लों की संख्या और विभिन्न नस्लों से प्रतिदिन कितना दूध प्राप्त होता है, इन चीज़ों को आप ऑब्जर्व कीजिए, इन पर ध्यान दीजिए। आइए अब हम बात करते हैं उत्पादन की मात्रा के बारे में। मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य तथा स्वच्छ दूध उत्पन्न करने के लिए गाय तथा भैंस के शरीर की उचित सफाई तथा आवास की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पशु के शरीर पर झड़े हुए बाल तथा धूल को हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की सफाई करनी चाहिए। उनका आवास छतदार यानी कि शेडेड तथा रोशनदान युक्त होना चाहिए। ऐसा आवास उन्हें वर्षा, गर्मी तथा सर्दी से बचाता है। आवास के फर्श पर ढलाव होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे। दूध देने वाले पशु
डेयरी पशु के आहार की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार का आहार जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे, तथा दूसरा वह जो दूध उत्पादन को बढ़ाए। इसकी आवश्यकता दुग्ध श्रवण काल के समय होती है। पशु आहार के अंतर्गत आते हैं, पहला जो आहार है वो है मोटा चारा, यानी कि रफेज, या इसको हिंदी में हम रुसांश भी कहते हैं, जो मुख्यतः रेशे वाले आहार होते हैं। दूसरा किस्म का आहार है सांद्र, जिसमें रेशे कम होते हैं और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं। पशु को एक संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट की आवश्यकता होती है, जिससे उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व उन्हें प्राप्त हो सकें। ऐसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलाए जाते हैं, जो दुधारू पशुओं यानी मिल्च एनिमल्स को स्वस्थ रखते हैं तथा दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं। पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं, जिसके कारण उनकी दूध उत्पादन क्षमता में कमी अथवा उनकी मृत्यु भी हो सकती है। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता व उठता है। पशु के बाह्य परजीवी यानी एक्सटर्नल पैरासाइट्स तथा अंतः परजीवी यानी इंटरनल पैरासाइट्स दोनों ही से संक्रमण हो सकता है। बाह्य परजीवी त्वचा पर रहते हैं, जिससे पशु को त्वचा रोग हो सकता है। अंतः परजीवी जैसे कि कीड़े, आमाशय तथा आंत को तथा पर्णकृमि यानी फ्लूक, यकृत या लिवर को प्रभावित कर सकते हैं। संक्रामक रोग बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण हो सकता है। अनेक विषाणु यानी वायरसेस तथा जीवाणु जनित रोगों से पशुओं को बचाने के लिए टीका लगाया जाता है, टीका यानी कि वैक्सीन। अब हम बात करेंगे कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गी पालन के बारे में। अंडे व मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है, इसलिए मुर्गी पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती हैं। अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर मुर्गी पालन की जाती है तथा मांस के लिए ब्रॉयलर मुर्गी पाली जाती है। कुछ गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती हैं। नई किस्में बनाने के लिए देशी जैसे एसिल तथा विदेशी जैसे लेगहॉर्न नस्लों का संकरण यानी हाइब्रिड कराया जाता है। इन संकरण को कराने के पीछे जो क्राइटेरिया है, वो पहला क्राइटेरिया है उनमें से चूज़ों की संख्या तथा गुणवत्ता। दूसरा क्राइटेरिया है छोटे कद के ब्रॉयलर माता पिता द्वारा चूज़ों के व्यावसायिक उत्पादन के लिए। अगला क्राइटेरिया है गर्मी अनुकूलन क्षमता, उच्च तापमान को सहने की क्षमता वाले चूज़ों को पैदा करना। उसके अलावा जो क्राइटेरिया है वो है देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता। फिर जो अगला क्राइटेरिया है वो है अंडे देने वाले तथा ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि के उपोत्पाद अर्थात एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपभोग कर सकें। ये बहुत अच्छा लगता है इस बात को कहना कि भारत में कुक्कुट या मुर्गी जो है वो अल्प रेशे के खाद्य पदार्थों को उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तित करने के लिए सबसे अधिक सक्षम है। अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते। अब हम बात करते हैं अंडों तथा ब्रॉयलर के उत्पादन के विषय में। ब्रॉयलर चूजों को अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन के प्रचुर आहार मिलते हैं। उनकी मृत्यु दर कम रखने और उनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। उन्हें ब्रॉयलर के रूप में उत्पादित किया जाता है तथा मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाता है। मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणालियां बहुत आवश्यक हैं। इसके अंतर्गत उनके आवास में उचित ताप तथा स्वच्छता का निर्धारण करके कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। इसके साथ साथ रोगों तथा पीड़कों यानी पेस्ट्स पर नियंत्रण तथा उनके बचाव भी करना शामिल है। ब्रॉयलर की आवास, पोषण तथा पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ भिन्न होती हैं। ब्रॉयलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है। मुर्गी आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा भी अधिक रखी जाती है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, कवक यानी फंजाई
परजीवी अर्थात पैरासाइट्स तथा पोषणहीनता यानी मेल न्यूट्रिशन के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। अतः सफाई तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से रोगाणुनाशी पदार्थों यानी डिसइन्फेक्टेंट्स का छिड़काव आवश्यक है। मुर्गियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीका भी लगवाना चाहिए जिससे महामारी से ये ग्रसित ना हो सकें। इन सावधानियों के बरतने से रोगों के फैलने की दशा में मुर्गियों को न्यूनतम हानि होगी। अब हम यहाँ पे एक क्रियाकलाप या एक्टिविटी करेंगे। आप कुक्कुट पालन केंद्र में जाइए यानी मुर्गी पालन केंद्र में जाइए, वहाँ विभिन्न प्रकार की नस्लों का अवलोकन कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए, उनको दिए जाने वाले आहार, उनके आवास तथा प्रकाश सुविधाओं को नोट कीजिए और अंडे देने वाली लेयर तथा ब्रॉलर को भी पहचानिए। अगला विषय है मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन। हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। मछली उत्पादन में पखयुक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ जैसे प्रॉन तथा मोलस्क सम्मिलित हैं। मछली प्राप्त करने की दो विधियाँ हैं। पहली विधि है कि एक हम प्राकृतिक स्रोत से मछली को प्राप्त करें जिसे मछली पकड़ना कहते हैं, तथा दूसरा स्रोत है मछली को पालना या मछली का संवर्धन, संवर्धन यानी कि कल्चर। मछलियों के जल स्रोत समुद्री जल तथा ताज़ा जल यानी कि अलवणीय जल हो सकते हैं। अलवणीय जल नदियों तथा तालाबों में पाया जाता है, इसलिए मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताज़ा जल के पारिस्थितिक तंत्रों यानी इकोसिस्टम्स में किया जा सकता है। पहले हम बात करेंगे समुद्री मत्स्यकी यानी मैराइन फिशरी के बारे में। भारत का समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र 7,500 किलोमीटर समुद्री तट तथा उसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है। सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियां हैं पॉम्फ्रेट, मैकल, ट्यूना, सार्डाइन तथा बॉम्बे डक। समुद्री मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग किया जाता है। मछली पकड़ने वाली नावों से इन जालों को प्रयोग करते हैं। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी यानी इको साउंडर्स से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूहों का पता लगाया जाता है तथा इन सूचनाओं का उपयोग कर मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन यानी कल्चर भी किया जाता है। इसमें प्रमुख हैं मुलेट, भेटकी तथा पर्ल स्पॉट, पकयुक्त मछलियाँ, कवची मछलियाँ जैसे झींगा, मसल तथा ऑयस्टर एवं समुद्री खरपतवार। ऑयस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन या कल्चर के द्वारा हो सकती है। इस प्रणाली में समुद्री संवर्धन किया जाता है, इसे हम मैरी कल्चर भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे अंतस्थली मत्स्य की यानी इनलैंड फिशरी के बारे में। ताज़ा जल के स्रोत नाले, तालाब, पोखर तथा नदियां हैं। खारे जल के संसाधन जहां समुद्री जल तथा ताज़ा जल मिश्रित होते हैं जैसे कि नदी मुख, एस्चुअरी तथा लैग्यून यानी कि फ्रेश वाटर लेक्स भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण है। जब मछलियों का प्रग्रहण यानी कैप्चरिंग अंतस्थली यानी इनलैंड स्रोतों से किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता। इन स्रोतों से अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन यानी एक्वाकल्चर द्वारा ही होता है। मछली संवर्धन कल्चर कभी कभी धान की फसलों के साथ भी किया जाता है। अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र यानी कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम से किया जाता है। इस प्रक्रिया में देशी तथा आयातित प्रकार की मछलियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे तंत्र में एक ही तालाब में 5 अथवा 6 मछलियों की स्पीशीज का प्रयोग किया जाता है। इनमें ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन ना हो अथवा उनके आहार भिन्न भिन्न हों। इसके परिणाम स्वरूप तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। जैसे कटला मछली
जल की सतह से अपना भोजन लेती है, रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती है, मृगल तथा कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेती है, ग्रास कार्प खरपतवार खाती है। इस प्रकार से ये सभी मछलियाँ साथ साथ रहते हुए भी बिना स्पर्धा के अपना अपना आहार लेती हैं। इससे तालाब में मछली के उत्पादन में वृद्धि होती है। मिश्रित मछली संवर्धन यानी कॉम्पोजिट फिश कल्चर सिस्टम में एक समस्या यह है कि इसमें से कई मछलियाँ केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती हैं। यहाँ तक कि यदि मत्स्य डिम्ब देशी नस्लों से लिए जाएं, तो अन्य स्पीशीज के डिम्बों यानी बीज के साथ मिल सकते हैं। अतः मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डिम्बों का उपलब्ध न होना एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी विधियां खोजी जा रही हैं कि तालाब में इन मछलियों का संवर्धन हार्मोन के उपयोग द्वारा किया जा सके। इससे ऐच्छिक मात्रा में शुद्ध मछली के डिम्ब प्राप्त होते रहेंगे। अब हम एक क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी करेंगे। आप मछलियों के जनन काल में मछली फार्म पर जाइए और अवलोकन कीजिए कि तालाब में मछलियों की विभिन्न किस्में कौन कौन सी हैं, तालाब के कौन कौन से प्रकार हैं, फार्म में प्रयुक्त आहार में क्या क्या शामिल है, और ये ज्ञात कीजिए कि फार्म की मछली की उत्पादन क्षमता क्या है। अगला विषय है मधुमक्खी पालन। मधु या शहद या हनी का सर्वत्र उपयोग होता है, अतः इसके लिए मधुमक्खी पालन का उद्यम एक कृषि उद्योग बन गया है। चूंकि मधुमक्खी पालन में पूंजी निवेश कम होता है, इसलिए किसान इसे धनार्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते मोम के बहुत अच्छे स्रोत हैं। मोम का उपयोग औषधि तैयार करने में किया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देशी किस्म की मक्खी यानी एपिस सेरेना इंडिका, जो सामान्य भारतीय मधुमक्खी है, के अतिरिक्त एपिस डोरसेटा जो कि शैल मक्खी भी कहलाती है, तथा एपिस एलोरी यानी लिटिल मक्खी का प्रयोग किया जाता है। एक इटली मक्खी जिसका साइंटिफिक नाम एपिस मेलिफेरा है, उसका उपयोग भी मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अतः व्यावसायिक मधु उत्पादन में इस मक्खी का प्रायः उपयोग किया जाता है। इटली मक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वे डंग भी कम मारती हैं, वे निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहती हैं और प्रजनन तीव्रता से करती हैं। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधु वाटिका अथवा मधुमक्खी फार्म बनाए गए हैं। मधु की कीमत अथवा गुणवत्ता मधुमक्खियों के चारागाह अर्थात उनको मधु एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद तथा पराग एकत्र करती हैं। चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में मधु के स्वाद को भी निर्धारित करती हैं। साथियों, अब हम आज जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसको एक बार रिवाइज करेंगे। हमने ये जाना कि फार्म पशुओं के लिए उचित देखभाल तथा प्रबंधन जैसे कि आवास, आहार, जनन तथा रोगों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, इसे पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। कुक्कुट पालन घरेलू मुर्गियों की संख्या को बढ़ाने के लिए करते हैं। कुक्कुट पालन के अंतर्गत अंडों का उत्पादन तथा मांस के लिए ब्रॉयलर उत्पादन है। कुक्कुट पालन में उत्पादन को बढ़ाने तथा उन्नत किस्म की नस्लों के लिए भारतीय देशी तथा बाह्य नस्लों को संकरित किया जाता है। समुद्र तथा अंतस्थली स्रोतों से मछलियां प्राप्त कर सकते हैं। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए उनका संवर्धन यानी कल्चर समुद्र तथा अंतस्थली पारिस्थितिकी प्रणालियों में कर सकते हैं। समुद्री मछलियों को पकड़ने के लिए प्रतिध्वनि गंभीरता मापी यानी इको साउंडर्स तथा उपग्रह द्वारा निर्देशित मछली पकड़ने के जाल का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र यानी कॉम्पोजिट फिश कल्चर सिस्टम प्रायः मत्स्य पालन के लिए अपनाया जाता है। मधुमक्खी पालन मधु तथा मोम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही मैं आज के इस विषय का समापन करती हूँ। आपके साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।